हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां बरखा की बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अनुपमा और बरखा को लगा देगी एक जोरदार थप्पड़ और दिखाएगी बरखा को उसकी औकात, हमारी नई अनुपमा, और जिसे बरखा को मिलेगा 440 वोल्ट का सबसे बड़ा झटका। तो ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, ये सब हम आपसे शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेलीबूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, पूरी बात ये है कि यहाँ पर बरखा जो है वो कपाड़िया हाउस से अनुपमा का सारा सामान को ब्रीफकेस में पैक करके जाएगी अनुपमा के पास और अनुपमा से कहेगी कि अनुज ने ये सारा का सारा सामान जो है वो भिजवाया है। और साथ ही साथ बरखा अनुपमा की बेइज्जती करते हुए कहती है कि अब अनुज ने तुम्हें फाइनली छोड़ ही दिया है और वो अब माया के पास रहने चला गया है। अनुपमा बरखा की बदतमीजियों और बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, उसके दिल में गहरी चोट पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ये जो अनुपमा है अब वो पुरानी वाली अनुपमा नहीं है, वो अब नई अनुपमा है। और नई अनुपमा जो है वो पूरी तरह से अपना अच्छा भी देखना जानती है, अपने लिए डिसीज़न भी लेना जानती है और अपने डिसीज़न पर कायम रहना भी जानती है। तो हमारी अनुपमा जो है वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानती है और मानती है कि उसका अनुज जो है उसे कभी धोखा नहीं दे सकता है। अनुज जो है वो अनुपमा से बेपनाह प्यार करता है और ज़िंदगी भर प्यार करता रहेगा, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। उनके बीच कुछ पलों के लिए, उन दोनों के बीच कुछ पलों के लिए दूरियां आई हैं, लेकिन अनुज अनुपमा के अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अनुपमा जान चुकी है कि ये गेम प्लान सारा बरखा का ही है और ऐसी हरकत वो ही कर सकती है। तो वो अब बरखा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगी और कहेगी कि ये सब तुम्हारी गिरी हुई गंदी सोच का प्लान है ना, क्योंकि मेरा पत्ता साफ हो जाए कपाड़िया हाउस से और मैं अब वहाँ ना आ सकूँ। तुम अगर ये चाह रही हो और ये सब सोच रही हो तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं किसी भी बाहर वाले को अपने घर पर हक जताने नहीं दूंगी, अपने पति की मेहनत को मिट्टी में मिलाने नहीं दूंगी। वो मेरा और मेरे पति का घर है तो उस पे मेरा हक है और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं बरखा अनुपमा के नए अंदाज से हैरान रह जाएगी, उसने सोचा तक नहीं था कि अनुपमा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अनुज की जाने के बाद तो वो शेरनी बन गई है जिसे ना कोई हरा सकता है, ना कोई झुका सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। उसके इरादों में बरखा के इरादे और प्लान एक पल में ही टूट के बिखर जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलने वाली हैं सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में, जहां अनुपमा तो जड़ देगी बरखा को जोरदार तमाचा और देगी 440 वोल्ट का सबसे बड़ा झटका। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में समर और वनराज आने वाले हैं एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे को चैलेंज भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अनुपमा का साइड ले रहा है अब वनराज। तो वहीं समर जो है वो अब डिंपल के साथ खड़ा है पूरे परिवार वालों के खिलाफ होके, और उन दोनों के बीच में अब बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। अब यहाँ ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखना ज़रूरी होगा कि अब क्या होगा और कैसे होगा फाइनल डिसीजन। शो का अपकमिंग ट्रैक बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, तो देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।